हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि आपको कंप्लेन कैसे करना है अगर आपको कोई इशू आ रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया कि आई ग्रीवेंस के ऊपर कैसे कंप्लेन करना है, क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए कैसे कंप्लेन करना है। हमने क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए आई ग्रीवेंस पे कंप्लेन करके दिखा दिया, लेकिन हमने फिर भी सोचा कि क्योंकि टाइम कम है तो हमें हमारा जो स्टेप है वो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमने इसमें एक ऑप्शन आता है, इसमें लिखा हुआ है ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो है इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट इसके ऊपर कंप्लेन नहीं करना। तो इस पे एक नीचे कंप्लेन के लिए एक मेल दिया हुआ है ssc@ignu.ac.in, इस पे आपको मेल करना है। तो हमने उस पे भी मेल करेंगे, तो उस पे हम पूरा लिखेंगे जो हमने क्रेडिट ट्रांसफ़र के ऊपर मेल किया, तो वो भी हम इसमें पूरा लिखेंगे। तो आपको भी मैं जब बोलता हूँ कि आपको मेल करना है तो आपको कैसे मेल करना है आप देख लो। तो सबसे पहले हमने ssc@ignu.ac.in पर हमने मेल कर दिया, और जो हमने शीशी है सीसी पे मैंने रजिस्ट्रार @ignu.ac.in को किया रजिस्ट्रार SRD, क्योंकि जो क्रेडिट ट्रांसफ़र का जो काम होता है वो SRD स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न के अंदर होता है। तो SRD में मैंने इसको मेल कर दिया, तो मतलब SSC पे भी चला गया, SRD पे भी चलेगा, दोनों के पास वो मिल जाएगा। तीसरी जगह मैंने कहाँ पे दिया है, RC पुणे, तो उस स्टूडेंट का क्योंकि RC पुणे है तो पुणे को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया। फिर लिखा है कि क्रेडिट ट्रांसफ़र इज नॉट डन टिल नाउ, अभी तक क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या है नहीं हुआ है। फिर यहाँ लिखा रेस्पेक्टेड सर आई हैव अप्लाइड फॉर द क्रेडिट ट्रांसफ़र इन द मंथ ऑफ मई 2021, और अभी जून आ रहा है ना, तो प्रोग्राम मेरा MP है, मेरा इनरोलमेंट नंबर ये है, नया इनरोलमेंट नंबर मेरा ये है, और मेरा प्रोग्राम जो है MP है तो और नाम ये है, तो मैं अपना क्रेडिट ट्रांसफ़र पूरे ओल्ड इनरोलमेंट नंबर से नए इनरोलमेंट नंबर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, MS 4, 42, 43, 44, 45, तो प्लीज़ उसको अपडेट करें जितना जल्दी हो सके। और मैं जो है अटैच कर रहा हूँ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है इसके साथ, और जो मैंने ऑलरेडी आपके पास पोस्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हैं, और इसमें मैंने ये भी लिखवा दिया है कि मेरी जो ड्यूरेशन है प्रोग्राम की वो जून 2021 में पूरी हो रही है, अगर आप उसको अपडेट नहीं करोगे टाइम से तो फिर आप बोलोगे कि आपकी ड्यूरेशन तो ओवर हो चुकी है, क्योंकि लेटर हमने पहले भेजा है और आप जो है मेरी उसमें कोई भी कमी नहीं निकाल सकते। और फिर हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर वो अपलोड कर दिया जो हमने फॉर्म भेजा था भरा हुआ, और उसके बाद जो उसमें DD लगाया था, और उसमें जो पूरा फॉर्म और DD हमने उनको पोस्ट किया था उसका स्कैन कॉपी मेरे पास था, मैंने वो अपलोड करवा दिया। तो उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद ये मैसेज जो है सभी तीनों जगह पे चला गया। तो ये था तरीका कि आपको जो मैसेज करना है एक ही जगह पे नहीं करना है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसमें भी करना है, अपने रीजनल सेंटर पे भी करना है, ताकि जो है उसका एक्शन जल्दी हो सके। तो कभी भी आपको असाइनमेंट का होता है तो उसको भी ऐसे ही करना है, और भी कोई भी इशू आते हैं तो 2-3 जगह उसकी पक्का उसकी CC और BC आपको करना है। तो इसका एक मेल आया है, देखते इसमें क्या है। डियर लर्नर, हाँ इसमें तुरंत इसका मेल भी आ गया, आप चेक कर सकते हो SED से अब मेल आ गया, ठीक है। नॉलेज आपका जो ईमेल है वो रिसिप्ट हो गया है, और अवार्ड आपका जो काम है वो हो जाएगा, कंसर्न डिवीज़न को रीडर उसके लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है। हमारा मकसद है कि जितना जल्दी हो सके आपको जो है आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो ये तुरंत उसका मैसेज भी सिस्टम जनरेटेड मैसेज होगा शायद, आई थिंक वो आ गया है। और आपको फर्दर जो है अगर कोई भी इसमें जो है स्टूडेंट अकाउंट कोर्स इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्रेडिट कार्ड स्टेटस चाहिए, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, उन्होंने कुछ लिंक भेजे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको लिखना है, मेल करना है, फ़ोन के चक्कर में नहीं पड़ना है। फ़ोन कई बार उठाते भी हैं नहीं उठाते, तो चलो।